ओम बिड़ला जी, नाम में दम है। सुबह शाम ओम करो तो ठीक होगा, होगा ना? ओम ओम। आज तो ओम जी ओम का बोलबाला है पूरा। और मैं कोटा की भूमि को सलाम करता हूँ, उन्होंने देश को एक रत्न दिया। आपकी मिट्टी के सपूत ने जो दुनिया में डंका बजाया है उसको मैंने महसूस किया है। जब ओम जी ने मुझे कहा कि सेवा निवृत्त गौरव समान है, मैंने कहा ओम जी रिटायर्ड लोगों का मामला है, उनको क्यों परेशान करो। बोले सेवा से निवृत्त है, सेवा करने से निवृत्त नहीं है। बोले उनकी उम्र को मत देखो, वो मेरी रीढ़ की हड्डी है, उनके आशीर्वाद से ही मैं पनप रहा हूँ। गुरु का आशीर्वाद हमेशा प्रेरणा देने का काम करता है। गुरु होता है जो हमेशा आशीष देता है। आज मेरे गुरुवर भी बैठे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। ऐसे मेरे जैसे कितने लोगों के व्यक्तित्व और चरित्र और कृतित्व का निर्माण करने का काम किया। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज सबका सम्मान करते हुए मुझे बहुत आनंदित होता है। आपका जीवन समर्पण और सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है। आपके सेवा समर्पित अद्वितीय ज्ञान से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिले। ओम बिरला जी जो काम इधर किए हैं, जो कुछ भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो रेलवे से लेके तो जब सभी प्रोजेक्ट रास्ता से लेके सड़क से लेके सब जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो तो शायद इतिहास में पूरा 60 साल के इतिहास देखा तो पहली बार ओम जी के कालखंड में हुआ है। इसके लिए मैं पहले उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने जिस कठिन परिश्रम के माध्यम से भारत के नवनिर्माण किया, आने वाली पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन मिले। आपके अनुभव, आपका ज्ञान, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, इस नई पीढ़ी को मिले। आपकी कितनी सेवाएं हैं, आपका कितना तप समर्पण है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मैं तो प्रणाम करके इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आपका आशीर्वाद मेरे लिए नई ऊर्जा होती है, नई ताकत होती है।